हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्या है, जो बार वाली संख्याएं होती हैं उनको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। पी अपान क्यू के फॉर्म में या फ्रैक्शन के रूप में इन संख्याओं को लिख चेंज करेंगे। ठीक, जैसे बार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान जाए कि बार का मतलब क्या। जैसे कोई संख्या लिखी है 0.333, ठीक, ऐसे एक संख्या लिखी हुई है जो इन्फिनिट तक जा रही है, तो उस संख्या को हम एक सॉल्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक, जैसे कि हम बोलते हैं 0333, जो 3 है वो इतने बार इतने बार। ठीक, तो उसी को डिनोट करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे और ऊपर क्या है कि एक सीधी लाइन खींच देंगे जिसको क्या कहते हैं, बार। ठीक, आई होप ये आप लोगों को समझ पहले से पता होगा। सबसे पहले क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन है 0.3 बार, इसको हमें p अपान q के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने नीचे 9 लिख लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या है तो एक संख्या पे बार लगा है तो हमने 1 9 लिख लिया। इसके बाद में जो ऊपर संख्या होती वो पूरी संख्या लिख लेते हैं। पूरी संख्या क्या है, 3 दी हुई है, लिख लिया। अब इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3। तो क्या हो गया कि 0.3 बार जो है वो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख गया है। उसका आंसर क्या आएगा, 1/3। तो 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये p अपान क्यू के फॉर्म में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 0.27, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। फिर से वही तरीका, जितने पर बार लगा होता है उतने ही यहाँ पर क्या बना देते हैं, 9। दो संख्याएं हैं, दोनों पर बार लगा है तो हमने क्या लिख दिया, डबल 9, 2 9 लिख दिए। अब इसके बाद ऊपर वाली पूरी संख्या, जितनी पूरी संख्या हमारी कितनी है, 27 है। अब इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये किससे कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ये हमारा क्या हो गया, p अपान q के फॉर्म में लिख गया। कौन लिख गया, 0.27, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, वो किस में चेंज हो गया, 3/11 में। इसी को p अपान q को फॉर्म बोलते हैं। अब हमारा थर्ड नंबर कौन सा है, थर्ड है 0.23 और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। जितने में बार लगा हुआ है उतने क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 में बार लगा हुआ है, 2 9 लिख दिया और ऊपर पूरी संख्या लिख देंगे, पूरी संख्या लिख गई। तो हमारा इसका आंसर क्या, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23/9 किसका, 0.23 बार का। अब हमारा फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है 0.32 बार। अब यहाँ पर क्या है कि संख्याएं तो 2 दी हुई हैं, 2 संख्याएं हैं, पर बार जो है वो केवल एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है। 2 संख्याएं हैं, बार केवल एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है, तो जितने बार, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने क्या लिख देंगे, 9। अब इसके ऊपर बार नहीं लगा है तो इसका क्या लिख देंगे, 0। जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसका क्या होता है, 0, और जिस पर बार लगा होता है वो उसका क्या लिखते हैं, 9। अब पूरी संख्या क्या लिख देंगे, पूरी संख्या क्या है, 32। अब जिस पर बार नहीं लगा है उसको इसमें क्या कर देंगे, माइनस, उसको इसमें क्या कर देंगे, माइनस। तो 32 में जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचता है, 29। क्या बचता है, 29/90। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0.32 बार को जब हम पी अपान क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 29/90। ठीक, तो यहाँ पर कितने में, एक संख्या पे बार लगा हुआ तो हमने 1 9 लगा दिया, जिसमें बार नहीं लगा उसका क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। फिर पूरी संख्या लिख ली, पूरी संख्या हमारी कितनी है, 32 है। फिर उसके बाद में जिस पर बार नहीं लगा है उसको इसमें माइनस कर दिया तो हमारा 29/90 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फिफ्थ नंबर लगाते हैं। कौन सा, फिफ्थ नंबर कौन सा है, फिफ्थ नंबर है 0.327।
ठीक, और बार किस पे लगा हुआ है, 2 7 पर बार लगा हुआ है, 2 7 पर बार लगा हुआ, तो क्या करेंगे फिर, वही जितने पे बार लगा है उतने 9 9 बना लो, 2 पे बार लगा 2 9 बना लिए। अब जिस पर बार नहीं लगा है उसका क्या बना देंगे, 0। और इसमें हमेशा हमें मतलब होता है कि दशमलव के पीछे वाली संख्याओं से, ये दशमलव है, दशमलव के पीछे वाली संख्याओं से इसमें मतलब होता है, आगे वाली संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। इसमें हमें इन्हीं को केवल ध्यान में रखना होता है, इसको नहीं ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर हमें कितना है, यहाँ पे एक संख्या थी जिस पर बार नहीं लगा था, तो हमने 1 0 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पूरी संख्या 3 2 7। अब जिसमें बार नहीं लगा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे हम इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 4 upon 9 9 0। अब ये किससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटने पर यहाँ पर कितना आएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा, 162 upon 495। फिर इसके बाद में ये फिर से किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 3 4 जा 12 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 54 upon 165, ठीक। तो ये जो संख्या थी ये p अपान q के फॉर्म में चेंज हुई, तो इसका आंसर क्या आया, 54 upon 165, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, 0.234, कितने पर, 3 4 पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर 3 4 पे बार लगा हुआ, लिख दिया। जैसा ये है सेम ये है, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने में बार लगा होगा उतने 9 बना लेंगे, जितने में बार लगा उतने में उतने 9 बना लिए, जिसमें नहीं लगा उसका 0 बना लिया। फिर पूरी संख्या लिख देंगे, पूरी संख्या लिख दी, पूरी संख्या में जिसमें बार नहीं लगा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में नहीं लगा है 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 2, क्या आ जाएगा, 2 3 2, 4 में 2 गया 2, और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 9 9 0। अब ये किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 4 9 5, ठीक। अब ये कहाँ से कटेगा, अब ये किसी चीज से कट पाएगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर, ये नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 116 upon 495, किसका, 0.234 बार का। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, एक बार हम यहाँ पे करते हैं, आप अपनी कॉपी पे करिएगा, ठीक। इसके बाद में अब हमारा 6 हो गया, अब हमारा आया 7th नंबर, कौन सा आया, 7th नंबर, यहाँ पर करते हैं। अब हमारा क्या है, 7th नंबर, 7th नंबर कौन सा है, 7th नंबर है, 6 हो गया, 7th नंबर कौन सा है, 2.35 बार। अब इसको देखना, अब इसमें क्या कुछ चेंजेस है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें चेंजेस है कि इन सारे सवालों में 0 0 लग के आ रहा था, और इसमें क्या है कि पॉइंट के आगे एक संख्या दी हुई है, पॉइंट के आगे एक संख्या दी हुई है, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, हमारा तरीका वही रहेगा, जितने पे संख्या पे बार उतने 9, ठीक, और जितने पे बार नहीं उतने 0। आप कहेंगे कि यहाँ पे इसका 0 क्यों नहीं लिखा, तो बात हम आपको बता चुके हैं कि डेसिमल के पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, कितने डिजिट आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जिस पे बार लगा है उससे मतलब है, जिसमें नहीं लगा है उनसे मतलब है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 इसका बार का 9 लिख दिया, और यहाँ पर एक संख्या थी तो उसका 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे, 2 3 5 लिख ली, यहाँ पे माइनस लगाया। अब जितने पे बार नहीं है उतने लिख देंगे, ठीक है, जितने पर बार नहीं है उतने पर बार वो उसको माइनस कर देंगे, कितने पे बार नहीं है, 2 3 पे बार नहीं है उसको लिख दिया,
पूरी संख्या, फिर इतने को इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 2, 3, 5 में 2, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 1 और 2 1 2 आया, अपान कितना आ गया 90। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक, इतना आया 106 अपान 45। अब ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2.35 बार को जब हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 106 अपान 45 आएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि अब हम लोग करते हैं छठवां, सातवां हो गया, अब आठवां नंबर करते हैं। कौन सा आठवां नंबर? आठवां नंबर कौन सा है? 5.267 बार, ये हमारा आठवां नंबर है, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने यहाँ पर 0, फिर उसके बाद में पूरी संख्या 5, 2, 6, 7 पूरी संख्या, फिर उसके बाद में जितने पर बार नहीं लगा है उतने यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर दिया, अब क्या है, 5, 2, 7 माइनस 5, 2, 6 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में 6 गया 1, 6 में 2 गया 4, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे 900, 4, 7, 4, 1, 900। अब ये भी क्या है, किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर हो गई और ये ऑड नंबर हो गई, तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4, 7, 4, 1 अपॉन 900, ये हमारे आठवें का आंसर आ गया। ठीक, इसमें बस केवल क्या है कि डेसिमल के आगे संख्या दी हुई है उसको भी हम इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर लिख लेते हैं। अब हमारा ये नाइन्थ नंबर क्या है, नाइन्थ है 4.4 की पावर बार, 4.4 ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब क्या करेंगे, जितने पर बार उतने 9, जितने पर बार उतने 9। अब यहाँ पर कोई संख्या है नहीं जो हम यहाँ पर 0 लगा दें, तो ऊपर पूरी संख्या लिख देंगे, पूरी संख्या माइनस जितने पे बार नहीं लगा है वो लिख देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 40/9। क्या आएगा, 40/9, 4.4 बार का आंसर आएगा 40/9। अब हमारा आता है दसवां नंबर, दसवां नंबर क्या है, दसवां नंबर है 0.222, ये लिखा हुआ है। अब हमें कहा गया है कि 0.222 इसको हमें पी अपान क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को बार के रूप में लिख देंगे, किसमें लिखेंगे, बार के रूप में, तो 0.2 इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब हमारे लिए सिंपल हो गया इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, जिसके जितने के ऊपर बार होगा उतने क्या लिख देंगे यहाँ पर 9। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं, फिर पूरी संख्या लिख देंगे बस, अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/9। ठीक, अब इसके बाद में कौन आता है, 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, 0.573333, ऐसे एक संख्या लिखी है, इसको कहा गया है कि P अपान Q के फॉर्म में चेंज करो। ठीक, इस संख्या को तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी बार के रूप में, बार के फॉर्म में लिख लेंगे, तो बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.573 बार बार आ रहा है तो 3 लिख देंगे और इसी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको हम P अपान Q के फॉर्म में चेंज करेंगे, जितनी संख्या पर बार उतने क्या लगा देंगे, 9, डेसिमल के बाद कितनी संख्या, दो संख्या, तो 2, 0, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे, पूरी संख्या लिख ली, फिर हम उसमें जितने पे बार नहीं लगा है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 516, क्या आएगा, 516/900। ठीक, क्या है, 516/900। अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10 और 2, 8 जा 16, फिर इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 450, इसको यहाँ पर लिख लेते 2, 8, 5 अपॉन 450। अब ये फिर से 2 से कटेगी क्योंकि दोनों जगह क्या है,
इवन इवन नंबर है, फिर जब टू से कटेगी तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू नाइन जा 18। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर और टू फाइव जा 10, 129 अपॉन 225। अब ये किससे कट जाएगी, अब ये थ्री से कटेगी, थ्री फोर जा 12, थ्री जा 9 और 37 जा 21, 35 जा 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 43/75। क्या आंसर आया, 43/75। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि अब हमारा नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है 12। क्या है, 12। 12 नंबर पे कौन सा है, 12 नंबर पे 0.474747। अब बताइए इसको बार के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसको इस संख्या को कैसे लिखेंगे बार के रूप में, तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब हम ये देखेंगे कौन सी संख्या बार बार आ रही है। अब यहाँ पर 47 जो है वो बार बार आ रही है, यहाँ पर तीन संख्या भी हो सकती है, मान लो यहाँ पर क्या है कि 474 है, अब फिर हम यहाँ पर क्या लिख दे, यहाँ पर फिर से हम लिख दे 474, फिर लिख दे 474, तो हम यहाँ पर तीन संख्याएं लेंगे, कहेंगे कि तीन संख्याएं बार बार आ रही हैं। ठीक, तो इन तीन संख्याओं को लेके तीनों पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या, 0.474747 ये लिखा है, इसको हमें पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बार के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये बार के फॉर्म में चेंज हो गया। अब सिंपल हो गया, जितने पर बार लगा है उतने क्या लगा दो, 9, और ऊपर की पूरी संख्या लिख दो, 47/99, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू।